प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ बहुत देर से तू घूरा जा रहा है। क्या हुआ मैडम? मैडम थप्पड़ क्यों मार रहा? तुम लोग पार्क में एक्सरसाइज करने आते हो, लड़कियाँ देखने आते हो, तुम लोग की वजह से लड़कियों का ना घर से निकलना बंद हो गया है। मैडम आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं आपको नहीं देख रहा था। एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से माफी मांगने की जगह झूठ बोलता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? मैडम आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो बस यहाँ पे बैठा हुआ था। तुम जैसे लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, लड़की देखी नहीं घूरना शुरू। देख रही थी कब से घूरे जा रहा है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? पार्क में यही सब करने आते हो क्या? या अपने घर में भी ऐसे ही दिखते हो माँ बहन को? अबे ओ दिमाग खराब मत कर, ठीक है माफी मांग। सुना नहीं क्या मैडम ने क्या बोला? माफी मांग। मेरी बात तो सुनो, मेरा भाई आ रहा है थोड़ी देर में, आप उससे बात कर लेना। क्या भाई बदमाश, मारो इसे। क्या हुआ भाई, तेरी हालत कैसे होगी? अबे ओए अपने भाई को समझा ले, यही सब करने आता है क्या पार्क में, लड़कियों को देखने आता है क्या? ये शर्म नहीं आती तुझे? ये मैडम को तो क्या, ये किसी को नहीं देख सकता। ये अंधा है क्या? क्या हुआ आप सब लोगों को? जोर चल रहा है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मैडम आपको तो ये भी झूठ लग रहा होगा। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग देखे बिना किसी को जज कैसे कर लेते हैं? तब तुम मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैडम मेरे कान में उस टाइम लीड लगी हुई थी, उस टाइम FM चल रहा था और उसमें जोक्स आ रहे थे, तो वही देख के मैं हंस रहा था, आपको लगा कि मैं आपको देख के हंस रहा हूँ। सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये देख नहीं सकता। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैडम मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी है, पर मेरी भी इज्जत है। मैडम लड़की को सिर्फ 1 मिनट लगता है उस पर इंजाम लगाने में, और लड़के की पूरी जिंदगी बीत जाती है उस इंजाम के दाग को हटाने में। तो मैडम आज से सोच समझ कर किसी पे इंजाम लगाना। क्योंकि मैम हर लड़का एक जैसा नहीं होता।